महिला के परिजनों ने की डॉक्टर से मारपीट। छिंदवाड़ा शहर के शनिचरा बाजार स्थित पतंजलि चिकित्सालय में देर शाम क्लिनिक में इलाज कराने के लिए एक महिला आई थी, जिसके बाद महिला की डॉक्टर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद महिला ने अपने परिजनों को फोन कर बुलाया। वहीं परिजनों ने अपनी हद पार करके इलाज कर रहे डॉक्टर रितेश बाउस्कर को उठाकर दुकान के सामने बीच सड़क पर ही ले जाकर डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टर को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं आज इस मामले को लेकर शहर के सभी वरिष्ठ समाज एवं व्यापारी वर्ग के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की है कि प्रशासन इन अपराधियों को तत्काल पकड़कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और यदि प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही आज सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध भी जताया। छेंड देख रहा था, अचानक कुछ लोग अंदर आए और एकदम से क्लिनिक में अंदर खींच करके मुझसे खींचतानी करने लगे, मुझे खींच करके बाहर लेके गए। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई साहब क्या दिक्कत हुई, क्या बात हुई, कि भाई बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। तो नहीं, उन्होंने आया बस और मारा पीट, खींचतानी करने लगे, स्टाफ के साथ बदतमीजियाँ करी, सामान वामान फेंकने लगे, बाहर जा करके मुझे मारा और सर पर भी किसी चीज़ कड़क चीज़ों से मारा उन्होंने। मैं बोल ही रहा हूँ कि बात कर लेते हैं, कोई चीज़ क्या हो रही, समस्या कुछ पता नहीं, बस 8-10 लोग हावी होते चले गए और कुछ मुझे समझ में नहीं आया। कितने लोग रहे हो? पहले तो 3-4 लोग अंदर आए थे, बाकी के 5-6 लोग बाहर थे। सबके सब झुंड मिला करके कोई बात नहीं कर रहा, बस लड़ाई चालू कर दी उन्होंने और कुछ नहीं बताया। बोले आप पेशेंटों से बदतमीजी करते हो, बदतमीजी से बातें करते हो और ये वो, आपको एटीट्यूड नहीं है, और इस तरह से उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ आप मुझे बताइए तो किस व्यक्ति से क्या बात, क्या समस्या हो गई है, क्या हो गया है। वो मैडम बड़बड़ाते हुए चली गई बाहर और कुछ देर बाद उन्होंने ये ऐसा किया। उन लोगों को बोले हम उनकी तरफ से आए हैं, ऐसा प्रीवियस के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, इसके साथ इनमें एक ज्ञापन ये भी है। और इसमें सर एक्चुअली डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी लगना चाहिए, गण को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकर गया उसके बाद थाना लेकर गया, थाना ले दिया गया। एक ये विशेष बात ये है कि उसको तुरंत उसके सामने ये घटना, चलो जितने भी आपके वो हैं पूरा मैंने अपने एसपी साहब से बता के एकदम छूट अंदर कर दी है, यहाँ पे इसमें जरा सा कुछ भी नहीं है। कुछ एक महिला मेरे पास पेशेंट के रूप में आई थी, डॉक्टर साहब का कहना था कि आप कृपया कर रिपोर्ट लेकर आएं, जो टेस्ट रिपोर्ट है पुरानी रिपोर्ट लेकर आएं, जिस पे आधारित पे मैं आगे से इलाज कर पाऊं। उस महिला ने डॉक्टर साहब से अभद्र व्यवहार की और वो वापस चली गई, और उन्होंने वहाँ से खबर दी घर पे, तो 10-15 लोग कली गुंडे जो हैं मवाली हैं, उनके परिवार के लोग थे जो, वो चिकित्सालय में आए, डॉक्टर साहब से उन्होंने मारपीट की, बेल्ट से मारा है, लात घूस से मारा है, उनको मुंह में चोट है, छाती में चोट है, आँख में चोट है, सिर में चोट है, उनको अपहरण करके ले गई। कहाँ ले गई कोई जानकारी नहीं मिली है, मैं चिकित्सालय में नहीं था उस समय। जैसे जानकारी मिली मैं चिकित्सालय पहुंचा, उसके बाद जानकारी ली सीधे हम लोग कुंडीपुरा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो धाराएं लगाई गई हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं एसपी महोदय से प्रशासन से सबसे एक आग्रह करता हूं कि वो जो धाराएं लगाई हैं वो धाराएं को बढ़ाया जाए, जिससे आगे हम शनिचर बाजार के जो व्यापारी मंडल है कम से कम प्रोटेक्शन तो मिले हम लोग को। हम लोग समाज में कैसे जिए, कैसे जिएंगे, क्या ये गुंडागर्दी ऐसे चलती रहेगी क्या, कि हम लोग कैसे जी पाएंगे, हम लोग कैसे इलाज कर पाएंगे लोगों को। हम लोग करीब 10 साल से, मैं 11 साल से पतंजलि चिकित्सालय का संचालक हूँ, हम लोग को जो वैद्य दिए जाते हैं, जो निःशुल्क सेवाएं दी जाती है, हम लोग गाँव गाँव में शिविर चलाते हैं, योग की कक्षा चलाते हैं, सब निःशुल्क रहती है, कोई पैसे नहीं लिया जाता सब चीज़ों का। और जो हमारे वैद्य बैठते हैं वो भी निःशुल्क इलाज किए जाते हैं। उसके बाद भी ऐसी गुंडागर्दी, आज तक प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है। कार्रवाई जो की है वो धाराएं, मुझे नहीं मालूम क्या धाराएं उनकी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ धाराएं से, उनको धाराओं को बढ़ाना चाहिए और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं सभी समाज, अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, रोटरी समाज, पूरे व्यापारी मंडल, गांधीगंज व्यापारी मंडल, सभी लोग, सब समाज के सभी लोग, ये भी सब बेस्ट समाज, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोग ने ज्ञापन दिया है CSP साहब को, SDO साहब को, कि वो जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करें। नहीं किए गए, यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं किया गया तो उसमें अपराध कायम है। डॉक्टर की रिपोर्ट में बलवा धारा का कल 7:30 बजे करीब की घटना है, थाने में रिपोर्ट हुई है, बलवा कायम है। इसमें एक मुद्दे सक्सेना का नाम आया, अन्य चार, तो आज देखते विवेचना में अन्य चार और कौन थे, तो
जल्दी से गिरफ्तारी की जाएगी। सर इसको मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया जाएगा? हाँ, उन लोग पेन ड्राइव भी दिए हैं, उनसे शनाख्त हो जाएगी कि कौन कौन थे उनके साथ। किडनैपिंग बताना, किडनैपिंग का तो ऐसा आया नहीं है, सीसी फुटेज में देखने के बाद क्लियर।